गवर्नर साहब ने लेटर लिखा है उसकी कोई आईनी हैसियत जो है वो मशकूक है, लिहाजा मैं उसको इतना अहम नहीं समझ रहा। अगर कल 4 बजे अजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इस बात का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज अलाई हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात होंगे। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा या नहीं, हुक्मरान और अपोजिशन इत्तेहाद की हिकमत अमली फाइनल। पीटीआई ने गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आइनी करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग भी जारी कर दी, कहा रवां इजलास स्पीकर ने बुलाया वही खत्म कर सकते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। पीटीआई के जुम्मे के रोज वजीर आला स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग की तजवीज, तहरीक पर कार्रवाई के बाद असेंबली तहलील करने का प्लान। मुस्लिम लीग नून ने भी कमर कसती, आज इजलास न होने पर अदालत जाने का इम्कान। नून लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान को सुपहर 4 बजे असेंबली पहुंचने की हिदायत। रुकन मुस्लिम लीग नून खलील सिंधु कहते हैं वजीर आला को हर हाल में एतमाद का वोट लेना ही होगा, ऐसा न हुआ तो गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे। सारा दिन लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना रहा, इमरान खान जुम्मे को असेंबली तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इस बात का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। एक पागल आदमी, एक अहम एक इंसान जो है वो पीटीआई को भी हादसे से दो चार कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को भी हादसे से दो चार कर रहा है, सिस्टम को भी कर रहा है। इस वक्त कौम में, अदारों में, हर जगह पर यह कंसेंसस है कि इस पागल आदमी को रोका जाए। पंजाब असेंबली इजलास ना हुआ तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। नून लीग और इत्तेहादियों ने अपना फैसला सुना दिया, अहम मुशावरती इजलास में इत्तफाक किया गया। वजीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर नए वजीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। शुरका ने कहा पंजाब असेंबली का बुलाया गया इजलास मुकम्मल आईनी और कानूनी है, इसमें परवेज इलाही को एतमाद का वोट हर सूरत हासिल करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा स्पीकर का इजलास न बुलाने से मुतालिक मौकिफ गलत है, अगर इजलास न हुआ तो वजीर आला अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। इजलास न हो तब भी वजीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वजीर आला दुहाइयां दे रहे हैं, 99% लोग चाहते हैं असेंबलियां ना टूटे। परवेज इलाही खुद भी असेंबलियां तोड़ने के हक में नहीं, एक पागल आदमी पंजाब को हादसे से दो चार कर रहा है, इस इंसान का इदराक किया जाना चाहिए। कौम अदारों में इत्तफाक है, पागल आदमी को रोका जाए। कप्तान सियासी और आईनी जंग जीतने के लिए पुरअज़्म, पंजाब में सियासी हलचल पर कानूनी टीम से मुशावरत, एडवोकेट जनरल पंजाब की ब्रीफिंग। इमरान खान को बताया गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आईनी है, पहले से असेंबली का इजलास चल रहा है, गवर्नर का इजलास पर इजलास बुलाने की कोई आईनी हैसियत नहीं। इमरान खान ने कहा हम सियासी जंग भी जीतेंगे और आईनी महाज पर भी सुरखरू होंगे। करप्ट टोला इकतदार से चिमटे रहने का हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है, गैर आईनी इकदाम नाकाबिले कबूल है। उधर पीटीआई अरकान का पंजाब असेंबली तहलील करने पर तहफ़ुज़ात का इजहार, मुल्तान जिला के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने कहा अगर निगरान सेटअप को तहवील में लिया गया तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। इमरान खान ने जवाब दिया परेशान होने की जरूरत नहीं, परवेज इलाही हमारे साथ है। गैर मुल्की जरीदों के नुमाइंदों से गुफ्तगू में इमरान खान बोले आलमी दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात के खाहां, मुल्की सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। शुजात का वोट जरदारी के पलड़े में, बहुत जल्द हमारा वजीर आला पंजाब होगा। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात में इत्तफाक, दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान वजीर आजम से भी राबता किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक राबता, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, दोनों ने इत्तफाक किया परवेज इलाही ऐवान से एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे, ऑपोजिशन नाकाम होगी।
तहरीके अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी पुराज़ुम, कहा हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का रवैया इख्तियार किया, ये अवाम के पास नहीं जाना चाहते, ये शौक पूरा कर लें इलेक्शन तो लाजमी होंगे, कानून के मुताबिक काम होगा। ये भी कहा रात 8 बजे बंद करके रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे। मुराद सईद बार बार सिक्योरिटी हालात पर तवज्जो दिलाते रहे, विफाक ने 126 अरब रुपए केपी हुकूमत के देने हैं। तख्त पंजाब सियासी सरगर्मियों का गढ़, रहनुमा मुस्लिम लीगाफ मोनस इलाही की फिर इमरान खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद समेत दीगर अमूर पर बातचीत। मोनस इलाही ने कानूनी और सियासी राय दी। इमरान खान से मुलाकात से पहले मोनस की आइनी और कानूनी माहरीन से मुशावरत। मोनस इलाही कहते हैं इमरान खान से पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली, पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले जल्दी इलेक्शन नहीं रोक सकती, अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। पीडीएम की जानिब से परवेज इलाही को वजीर आला की ऑफर की बातों पर मोनस इलाही ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 186 अरकान की हिमायत दरकार, हुकूमती इत्तेहाद 190 अरकान की हिमायत के साथ मजबूत, पंजाब असम्बली का 371 का ऐवान, पीटीआई और काफली के 190 अरकान मौजूद, तहरीक इंसाफ के 180 और काफली के 10 अरकान ऐवान का हिस्सा, अपोजिशन अरकान को सूबे में 180 अरकान की हिमायत हासिल, नून लीग के 167 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल, 5 आज़ाद अरकान और 1 राह-ए-हक पार्टी के रुकन की भी हिमायत। पीटीआई और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट के लिए बैठक, तहरीक इंसाफ के 3 रुकनी वफ़ की परवेज इलाही के घर आमद, परवेज खटक शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी पहुंचे, बातचीत का दूसरा राउंड आज फिर होगा। जी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया, टेररिस्ट जितने हैं सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए, 10 से 15 एसएसजी के जो हमारे जवान हैं जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है वो जख्मी हुए हैं, इसके अलावा जो है 2 शहीद हुए हैं। बन्नू ऑपरेशन में तमाम 33 दहशत गर्द हलाक, सीटीडी ऑफिस बन्नू में ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब, आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर पर बताया कार्रवाई में 2 जवान शहीद, 15 जख्मी हुए, तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया, हलाक दहशत गर्दों का मुख्तलिफ गिरोहों से ताल्लुक था। वजीर दिफा ने बन्नू वाकया केपी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया।